राम राम भाइयों, अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। अरे भाई, एक जो सुपरस्टार खिलाड़ी मेरे द्वारा खड़ा है, बताने की जरूरत नहीं, सीधे राम राम। राम राम पवन जी। राम राम अभी मन्नू चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन मलिक भाई राम राम, सारे भाई राम राम। और पवन जी ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई जी, सारे है जड्डा में। पवन जी, जाडे की बात याद आ गई, इतना कड़ा जाडा में कड़कती ठंड में लोगों ने चर लते पर रहे, पुरानी चौपर रहे, जब भी जाडा लग गया है और आप कपड़े निकाल के खेलते हो, एक बार इसके बारे में बताओ। ईसा पवन भाई, ये जो खेल है ना, यो हमारी जॉब है, ठीक है। इसका हम बाज नहीं सकते, दूसरा धंधा नहीं मार दो रहे। खिलाड़ी पढ़ नहीं सकता, धंधा नहीं कर सकता, दिहाड़ी नहीं कर सकता, या हमारी जॉब है कित बाजा भाई, हमारा काम भाई हमने करना पड़ा है। और इस के कारण हमने नाम मिल रहा है, जो हम ऐस कर रहे हैं इसके कारण कर रहे हैं, तो फिर कष्ट तो थाना पड़ा भाई थोड़ा मोटा। बहुत बढ़िया बात कही है भाई। तो पहलवान जी, एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है कि भाई आप वर्ल्ड कप टीम में, आपका मतलब नाम आया है, आप इंडिया की टीम में खेलोगे, इसके बारे में खुल के बोलो। देखिए, बोलने की तो क्या है कि जो प्लेयर होता है वो एक मतलब ये सोचता है कि मैं देश के लिए रिप्रेजेंट करूँ, तो एक अच्छी खुशी जो है दिल में जाहिर होती है। और मैं अकेला क्या, इंडिया की तरफ से पूरी टीम खेलेगी, और मैं चाहता हूं कि मेरे हरियाणा से जितने भी प्लेयर हैं वो अच्छी मेहनत करके, या फिर उनका जो है मनोबल तगड़ा करके, अपना अपनी मेहनत करके वो अच्छे मैच दिखाएं। और सभी, मैं ये चाहता हूं कि मेरे हरियाणा की टीम मतलब इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे। बहुत बढ़िया सोच है पहलवान जी की, ऐसी सोच के पहलवान बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि इनका तो नंबर ऑलरेडी पड़ गया, लेकिन ये चाहते हैं भाई और भी जो है पूरी मेहनत करें, पूरा जोर लगावें और इंडिया की टीम में खेले, इनके साथी बने, क्यों पहलवान जी? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, सारे बालक जो हैं मतलब करते हैं अपने अपना काम धंधा, अपने माँ बाप उन छोड़ के इतनी ठंड में, इतनी धुंध में अपना मेहनत करे हैं, जीते तो दो ही टीम है, लेकिन जोर सब लगा हुए हैं। मैं भगवान से ही मनोकामना करता हूँ कि हर वो बच्चा जो कबड्डी खेलता है, या मतलब जो अपने मेहनत करके किसी भी गेम में है या किसी भी क्षेत्र में है, वो निपुण हो उस कार्य में, और उसको मतलब एक अच्छा पायदान मिले। अभी कुछ दिन पहले विनय भाई विदेश गए थे, आप कई मैच खेल का है, कैसा अनुभव रहा? देखिए, आप अभी जो बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं आप, तो मेरा ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा मतलब जो है परफॉर्म मेरी रही है, और मैं भी बहुत लाइक करता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, मेरा पसंदीदा देश है, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बहुत अच्छे जो हैं वहाँ पे कांटे के टूर्नामेंट लगे। जिस टीम में आपकी सिलेक्शन हुई है ना, वो पाकिस्तान जाने वाले हैं, और पाकिस्तान की और इंडिया की तो काटे की टक्कर रहती है। मैं वैसे नाम में ले रही भारत पाकिस्तान, जिनको कोई लड़ाई मच रही हो और किन बात नहीं, कि तो भारत पाकिस्तान जैसी हो रही। देखिए, यहाँ पर भी अगर अगर दो मतलब स्ट्रॉन्ग टीमों का मैच आ जाता है, तो उसको भी भारत पाकिस्तान का नाम दिया जाता है कि ये बहुत मतलब काटे की टक्कर होने वाली है। देखिए, मतलब लोगों ने इतना मतलब उत्साह है लोगों में कि हमारे जब इंडिया का या पाकिस्तान का मैच आता है, तो लोग मतलब सभी टीवी के आके बैठ जाते हैं कि हाँ, इंडिया वाले बोलते हैं हमारे जीतेंगे, वो बोलते हैं हमारे जीतेंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कौन सी टीम जीत जाएगी आखिर तक। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो मैच होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा मैच हो और सभी प्लेयर चोट फेट से बचें, जीत हार तो लगी हुई होती है। पहलवान जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और बहुत बढ़िया लगा मैंने यह बात सुन कहे कि भाई आप वहाँ खेलने जाओगे। देखिए पवन भाई, या कोई रोहतक की या कोई हरियाणा की या कोई बात नहीं है, ये है बात इंडिया की। तो हम इंडिया के लिए खेलते हैं, हम हमारे देश के लिए खेलते हैं, इसमें तो गांव या शहर या जो भी है स्टेट है वो सब कुछ पीछे रह गया है, या हमारा घर है जो भी है, तो अब नाम जो है इंडिया का मिल गया है। तो मैं मतलब भगवान से मनोकामना करता हूँ कि सभी प्लेयर अच्छे खेलें और अपना परफॉर्म जो है अपनी हद से आगे दें। पहलवान जी, मैं चाहूँगा जब आप विदेश से खेल के आओ, पाकिस्तान से जब खेल के आओ और अपना बेस्ट गेम दिखागा हो, मैं आने के बाद मैं आपका दोबारा से इंटरव्यू करूँ, और मैं मेरे मन में है कि भाई मैं विनय खत्री का तब इंटरव्यू करूँ जब वो वहाँ से बेस्ट आवे और पूरी टीम में सबसे अलग परफॉर्म करके आवे। बिल्कुल पवन भाई, ये तो आपका बड़कपन है, और ये जो हमारे लोग हैं, ये जो देखते हैं मैच देखते हैं, उनका बड़कपन है जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में मैच देखते हैं। और भाई रही इंटरव्यू वाली बात, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और भगवान से मतलब ये उम्मीद रखते हैं कि हम अपना अच्छा दे पाएँ, बेस्ट दे पाएँ। विनय भाई, अभी मैं आपको बता दूँ, थोड़ी देर बाद ही विनय भाई का मैच है, और मैच के दौरान बीच में रुक के भाई साहब प्रैक्टिस के दौरान मेरे को इंटरव्यू दिया है, तो उसके लिए तहे दिल से पहलवान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद पहलवान। थैंक यू भाई, थैंक यू आपके चैनल का,
और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पवन भाई, थैंक यू सो मच जी। जय कबड्डी, जय जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय जय कबड्डी।